पेड़ की रिटर्न बनाने के लिए हमको सबसे पहले सेप में एफ ए जी एल एल 03 कमांड एंटर करनी होगी। इसके बाद हमें जी एल कोड लेना है ई एम ओ पेड का। ई एम ओ पेड और रिसीव का कॉमन जी एल है, इसको मैं एंटर कर देंगे। इसके बाद जो भी मंथ की रिपोर्ट हमको जनरेट करनी है, मान लीजिए अक्टूबर का जनरेट करना है, तो अक्टूबर का फर्स्ट डे सेलेक्ट कर लेंगे और अक्टूबर का लास्ट डे, जिस किसी मंथ की हमको करनी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सिग्नल वाला जो निशान होता है उसमें जाके अपने जिस सीरीज़ का अपने हेड ऑफिस में प्रॉफिट सेंटर है वो डाल देंगे, हेड ऑफिस का और सबसे लास्ट ऑफिस का, और सेव के निशान पे जाके सेव कर देंगे। इसके बाद एग्जीक्यूट कर देंगे। ये हमारी पूरी जो रिटर्न है वो तैयार हो गई है। अब इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना रह गया है। एक्सपोर्ट में स्प्रेडशीट वाले ऑप्शन में जा कर के जहाँ भी हमको सेव करना है, मान लीजिए डेस्कटॉप पर सेव करना है या जिस भी लोकेशन पर सेव करना है वहाँ सेव कर सकते हैं। मैं अभी इसको डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ और ये एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब ये फाइल हमारी एक्सपोर्ट हो गई है। इसमें हम फिल्टर लगा करके जो पोस्ट की होती है उसके हिसाब से सॉर्ट कर लेंगे। जो 50 होता है पोस्ट की वो क्रेडिट एंट्री होती है और जो 40 होता है वो डेबिट एंट्री होती है, यानी 50 इशू रहेगा और 40 पेड रहेगा। तो अभी हम इसको फिल्टर में से 50 नंबर की एंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा इशू का सीरियल वाइज आ गया है, डेट से ऑटोमेटिक सीरियल हो जाता है। अगर सीरियल नहीं आ रहा है तो फिल्टर से कर सकते हैं। इसके बाद हम अमाउंट वाले कॉलम का नीचे टोटल लगा देंगे, सभी को सेलेक्ट करके ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, इससे हमारा टोटल लग जाएगा। फिर रिपोर्ट को थोड़ा अच्छा प्रेजेंट करने के लिए इसका बॉर्डर बना देंगे। बॉर्डर के लिए पूरा मैटर सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर पर जाना है और ये हमारा पूरा बॉर्डर में आ जाएगा। इसके बाद इसमें ऊपर हेडर भी दे सकते हैं, तो राइट क्लिक करके इंसर्ट करना है, फिर इस पूरे रो को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो भी हमें लिखना है ई एम ओ इशू और पेड रिटर्न जो भी लिखना हो, मंथ ऑफ अक्टूबर या जिस भी मंथ का हमें करना है वो लिख सकते हैं। अभी मैंने जुलाई 23 का किया है तो मैं जुलाई 23 डाल दूँगा। ये हमारा इशू का रिटर्न तैयार हो गया, ई एम ओ इशू का। वी पी एम ओ भी इसी में शामिल रहता है, अगर अलग से आप सॉर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए फ़िल्टर में कंटेन में वी डाल देंगे तो जिनमें भी वी है वो वी पी एम ओ वाले होंगे। अब इसको हम थोड़ा फिनिशिंग दे देंगे जिससे एक ही पेज में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आ जाए, जिससे पेज की वेस्टेज ना हो। इसके लिए शो मार्जिन पे क्लिक करके जो मार्जिन दिखाई दे रहा है उसको पेज के एकदम एंड तक ले जाते हैं, उससे कम स्पेस में अच्छे से ज़्यादा मैटर आ जाएगा और पेज की वेस्टेज भी कम होगी। ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको हम थोड़ा थोड़ा पकड़ के खिसका देंगे जिससे कम हो जाएगा। ये बॉर्डर ऊपर कर देंगे, इससे लगभग 20-30 रो ज़्यादा हमारे एक पेज में आ जाती हैं। ये पूरा मैटर हमारा एक पेज में आ गया है और ये दूसरा सेकंड पेज पे जा रहा है। इसका टोटल थोड़ा हैश का निशान आ रहा है क्योंकि स्पेस कम है, तो थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देंगे जिससे ये हमारा अमाउंट का टोटल दिखने लगेगा। थोड़ा थोड़ा सभी कॉलम को एडजस्ट करने पे आ जाएगा। इसी तरीके से हम डेबिट की एंट्री यानी ई एम ओ पेड की एंट्री बना सकते हैं। नीचे पोस्ट मास्टर का डेट स्टैम्प भी डाल सकते हैं, जो भी आपका ऑफिस नेम है वो डाल सकते हैं पोस्ट मास्टर। इसके बाद हमें ई एम ओ पेड का बनाना है तो 40 नंबर ले लेंगे। ये आपका पेड का रिटर्न आ गया।
इसमें आप चाहें तो एडिशनल वी लुकअप लगा करके प्रॉफिट सेंटर से जो ऑफिस का नाम है उसको निकाल सकते हैं, और ऑफिस वाइज भी बना सकते हैं फिल्टर लगा के। फिल्टर लगा के आप ऑफिस वाइज भी निकालेंगे तो भी ठीक रहेगा, बाकी आजकल CSI में तो HO वाइज जा रही है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। प्रॉफिट सेंटर वाइज भेजेंगे तो हर ऑफिस की अलग बना सकते हैं, वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू।